ईडी के समन और दिल्ली में सियासत बढ़ने के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ ही देर में मीडिया से मुखातिब होंगे अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले के बाद दिल्ली सरकार पर एक और घोटाले का आरोप। मोहल्ला क्लिनिक में होने वाले टेस्ट में घोटाले का आरोप। दिल्ली के उपराज्यपाल से सीबीआई जांच की सिफारिश की। फर्जी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट कराकर प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव को निलंबित करने की सिफारिश करेगी। दिल्ली में आज शराब घोटाले और अरविंद केजरीवाल के संबंध को लेकर हलचल बढ़ी। पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर जाने वाले रास्ते को बंद किया। सीएम हाउस के स्टाफ को पहले जाने नहीं दिया, बाद में आने जाने वाले को दी छूट। आपका आरोप, केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के आपके दावे को खारिज किया। कहा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया है, पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जल्द चौथा समन भेज सकते ईडी। तीन समन भेजे जाने के बाद केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल के पेश ना होने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर मची हलचल के बीच तीन दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 6, 7, 8 जनवरी को गुजरात दौरे पर रहेंगे केजरीवाल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल करेंगे गुजरात दौरा। गुजरात में कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा को संबोधित करेंगे। जेल में बंद आप विधायक चैतर बसावा से भी अरविंद केजरीवाल के मिलने का कार्यक्रम। चैतर बसावा के परिवार से भी मुलाकात करेंगे केजरीवाल। कांग्रेस में शामिल हुई वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की संस्थापक शर्मिला। हाथ का दामन थामने के बाद बोली शर्मिला रेड्डी, कहा कांग्रेस ने किया भारत की बुनियाद का निर्माण। खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में वाईएस शर्मिला ने थामा कांग्रेस का दामन। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी है शर्मिला रेड्डी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शर्मिला रेड्डी का कांग्रेस में शामिल होना बेहद अहम। जल्द ही लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के होने हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा। 5 जनवरी को सोलन और शिमला में करेंगे रोड शो। अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। यूपी में योगी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात में यूपी मंत्रिमंडल में जगह और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की। कहा लोकसभा में हम जीतेंगे, अब की बार 400 के पार और तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। लोकसभा संत कबीर नगर लोकसभा सहित हम लोग जीतेंगे। देश में अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान पर बवाल। भगवान श्री राम पर की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी दर्ज कराएगी एफआईआर। जितेंद्र आह्वान के खिलाफ एनसीपी अजित पवार गुट ने किया है प्रदर्शन। 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने की मांग। थाने के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के बाहर महाआरती की तैयारी। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वान ने भगवान राम पर दिया विवादित बयान। राम को बताया मांसाहारी, कहा प्रभु राम 14 साल जंगल में गुजारे तो वहां खाने को उन्हें क्या मिलता होगा। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान को लेकर बीजेपी का शिवसेना यूपीटी का पलटवार। कहा भगवान राम को कोई भी कुछ कहे या फिर हिंदुओं का कोई मजाक बनाए, उद्धव गुट का कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाओ और इस कारण मजाक उड़ाओ कि हिंदू धर्म सहिष्णु है, क्या हो गया इन्हें? शरद पवार की चुप्पी, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की चुप्पी। आज बाला साहेब होते तो श्री राम को मांसाहारी कहने वालों को कई बोल सुनाते, और राम कदम ने कहा चुनाव की बारी आएगी तो झूठी ताकत जुटाकर हिंदुत्व की बात करेंगे।
महाराष्ट्र बीजेपी ने एक्सपोस्ट पर कहा, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके आपको क्या खुशी मिलती है, आपकी इस भाषा को राम भक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान पर बोले राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का एनसीपी नेता का बयान बेहद निंदनीय, श्री राम ने कंद मूल खाए, शास्त्र ही प्रमाण है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, एनसीपी नेता का बयान बिल्कुल गलत, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान ने जब वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने मांस खाया था। जम्मू कश्मीर में 2024 का पहला एनकाउंटर जारी, कुलगाम में घेरे गए आतंकी, कल शाम से कुलगाम में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर में 2024 का पहला एनकाउंटर जारी, कुलगाम में घिरे गए आतंकी, कल शाम से कुलगाम में आतंकियों के छिपे होने की सूचना। कुलगाम पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला, कुलगाम के हादिगाम इलाके में चल रहा है एनकाउंटर। कश्मीर में बर्फबारी बढ़ने के बाद आतंकियों की घुसपैठ शुरू हो गई, माना जा रहा है कि हादिगाम इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता करने के काठमांडू पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, नेपाली पीएम पुष्प कमल प्रचंड और समक्ष एनपी सऊद से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच जल विद्युत खरीद, डिजिटल भुगतान समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा, नेपाली विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सौद के निमंत्रण पर आज और कल काठमांडू की यात्रा पर रहेंगे एस जयशंकर। वाई भारत मैटर्स के विमोचन कार्यक्रम में नेहरू के विदेश नीतियों पर एस जयशंकर ने साधा निशाना, कहा शुरुआती सालों में पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बहुत विवादित रहे। चीन के साथ भारत की नीतियों पर भी बोले विदेश मंत्री, कहा भारत को चीन के साथ यथाशर्तवाद के आधार पर निपटना चाहिए। चीन के साथ नेहरूवादी युग की नीतियों पर हमला बोलते हुए एस जयशंकर ने कहा, नेहरू और पटेल की नीतियों में था अंतर, विदेश मंत्री ने दोनों दिग्गजों के बीच मतभेद पर खुलकर चर्चा की। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गिनाई अयोध्या राम मंदिर की विशेषताएं। ट्रस्ट के मुताबिक 3 मंजिला हो रहा है राम मंदिर का निर्माण, पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया मंदिर, 392 स्तंभ, 44 दरवाजे और 161 फीट ऊंचाई है। 70 एकड़ में राम मंदिर और चारों ओर आयतकार परकोटा मंदिर की पिलर पहुंचने के लिए चढ़नी होगी 32 सीढ़ियां, चंपत राय ने पूरे मंदिर का पेश किया है नक्शा। परकोटा के चारों कोनों पर भगवान सूर्य, मां भगवती, गणपति और भगवान शिव की मूर्तियां भी हैं, साथ ही परकोट में वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य देवी, अहिल्या का भी मंदिर निर्मित है। मंदिर में कीर्तन मंडप के रूप में होंगे 5 मंडप, मंदिर में नृत्य रंग सभा प्रार्थना एवं कीर्तन मंडप के रूप में होंगे 5 मंडप। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर में रामलला की 3 मूर्तियां लगेगी, गर्भगृह में लगने वाली मूर्ति का चुनाव करेंगे काशी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री। 3 मूर्तिकारों को मूर्तियां बनाने का काम सौंपा गया, जिनमें से एक को फाइनल किया जाना था, मूर्तियां फर्स्ट, सेकेंड और सबसे ऊपर वाले फ्लोर में स्थापित होगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा एजेंसियां अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर, सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए एआई की ओर से भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या और राम मंदिर की सुरक्षा में आईबी रॉक के साथ ली जाएगी एआई की मदद, खरीदे जा रहे हैं अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए पुलिस ने तैयार किया है डेटाबेस, शहर में पुराने घुसने वाले लोगों और बाहर की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। गुरुग्राम में गैंगस्टर संदीप गाडोली की मॉडल गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा की हत्या, होटल में मिला मॉडल दिव्या की हत्या के आरोप में होटल का मालिक समेत 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस जांच में पता लगा रही है कि मॉडल दिव्या होटल मालिक को ब्लैकमेल कर रही थी। साल 2016 में गैंगस्टर संदीप गाडोली का एनकाउंटर कर दिया गया था,
और उस वक्त दिव्या पर ही मुखबिरों का आरोप लगा था। सीएम योगी के बम से उड़ाने की धमकी के आरोप में लखनऊ से दो आरोपी गिरफ्तार। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को अरेस्ट किया। दोनों आरोपियों ने नवंबर में सोशल मीडिया पर राम मंदिर और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। जांच के बाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपी गुंडा के निवासी हैं, पैरा मेडिकल संस्थान में काम करते हैं। मामले में एसटीएफ जांच कर चुके हैं। एम्स दिल्ली के टीचिंग ब्लॉक में आग लगने से हड़कंप मचा। आग से फर्नीचर और कार्यालय रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने एम्स की आग पर काबू पाया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक सभी लोग सुरक्षित हैं। यूपी के कासगंज में दो पक्षों में हुआ विवाद। विवाह की सूचना पर पहुंचे एसएचओ को लगी गोली। एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। पशु को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में दो पक्षों में था विवाद। सिकंदर पूर्वी सयाद थाना क्षेत्र के नरपट गांव का है मामला। राजस्थान के झालावाड़ में बन रहा है देश का सबसे लंबा वाटर टनल। पहाड़ के नीचे से दो जिलों को जोड़ेगा ये टनल। झालावाड़ में 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य जारी। सुरंग की चौड़ाई इतनी कि एक साथ दो ट्रक गुजर जाए। परबन नदी के किनारे से शुरू होकर बारा के कुदलाई गांव में खुलेगी ये सुरंग। देश की बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने देश में 24 नए ब्रांच का शुभारंभ किया। लातूर, ग्रेटर नोएडा, सोलन, द्वारिका, सोनीपत, सिरसा, फिरोजाबाद और छिंदवाड़ा, सतना में भी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के दफ्तर खोले जाएंगे। ब्रांच के शुभारंभ के दौरान एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ नवनीत मुनोत ने कहा, हमारा मिशन है कि हर भारतीय वेल्थ क्रिएटर बने और हम जानते हैं कि भारत के आर्थिक विकास के लिए हर भारतीयों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। कोहरे की चपेट में समूचा उत्तर भारत। धुंध की वजह से ट्रेनों का चक्का जाम। देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें लेट। कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर कई उड़ानों में देरी। कोहरे के बीच विजिबिलिटी कम होने के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर कई उड़ानों के संचालन में देरी। यूपी, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार में घना कोहरा, ठंड ढा रहा है सितम। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे हैं सहारा। शीतलहर की चपेट में जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, तापमान ने शून्य से नीचे। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में मृत मिले भारतीय परिवार की मौत की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने कहा, हवेली में घर के मालिक राकेश कमल ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या के बाद की थी खुदकुशी। 28 दिसंबर को मिली थी तीनों की लाश। ब्रिटेन में भारतीय मूल के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। बढ़ती महंगाई के बीच बेहतर वेतन की मांग। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर साकिब उल हसन ने शुरू की सियासी पारी। आम चुनाव में अपने गुनहगार मुकरा से अवामी लोगों के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। भारत साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन टूटे कई रिकॉर्ड। एक दिन में गिरे 23 विकेट। पहले दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका दूसरी पारी में स्कोर 3 विकेट पर 62 रन। कैपटाउन की उछाल भरी पिच पर साउथ अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट के अपने न्यूनतम 55 रनों पर हुई ढेर। जवाब में भारत ने पहली पारी में बनाए 153 रन। भारत की ओर से सिराज ने झटके 6 विकेट। भारत की पारी में 6 बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हुए। 153 रन पर पांचवां विकेट गिरने के बाद पूरी टीम इसी स्कोर पर पवेलियन लौटी। साउथ अफ्रीका की तरफ से रबाडा, एंगेटी और बर्गर ने 3-3 विकेट लिए। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह दूसरा मौका था कि एक दिन में इतने ज्यादा 23 विकेट गिरे। 1902 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में टेस्ट में एक दिन में 25 विकेट गिरे थे। आज से अयोध्या और आनंद विहार के बीच वंदे भारत ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। आनंद विहार से सुबह के 6:00 दोपहर के 2:30 पर अयोध्या पहुंचेगी ट्रेन। ईपीएफओ ने करोड़ों लोगों को दिया नए साल का तोहफा। हायर पेंशन ऑप्शन के लिए डिटेल भरने का डेडलाइन को बढ़ाया। अब 31 मई 2024 तक दे सकते हैं डिटेल। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने बनाया रिकॉर्ड। साल 2023 में 100 बिलियन का आंकड़ा किया पार। पिछले साल के मुकाबले 44% की वृद्धि हुई। एनपीसीआई आंकड़े जारी कर ये जानकारी दी।
आईटीआर भरने में टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड, 8 करोड़ लोगों ने किया अप्लाई। पिछले साल 31 दिसंबर 2022 तक 7 करोड़ आयकर रिटर्न भरे गए। 3 दिन बाद शेयर बाजार में आई तेजी, सेंसेक्स 322 अंक बढ़कर 71,668 पर खुला और निफ्टी 21,600 के पार कर रहा है कारोबार। आमिर खान की बेटी आरा खान ने अपने बॉयफ्रेंड नुपुर शिखर संग मुंबई के लाइव 5 स्टार होटल में की शादी। वायरल वीडियो में आमिर खान अपनी एक्स वाइफ के साथ स्टेज पर कपल के साथ जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। आमिर खान की बेटी आयरा खान की शादी में शामिल हुआ अंबानी परिवार। आमिर खान अपनी एक्स वाइफ किरण राव के साथ मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को गले लगाकर उनका स्वागत किया। शादी के बाद आमिर खान समेत पूरे परिवार ने कपल को स्टेज पर दिया आशीर्वाद। खुशी के इस मौके पर पूरी फैमिली एक साथ दिखाई दी।